फीचर्स के बारे में जाने। बहुत से लोग जो ट्रैवल करते हैं वो हाइक पे या साइट सीइंग के लिए या घूमने के लिए या हिल स्टेशंस पे या आपने स्टेडियम में मैच देखना हो या बैले देखना हो थिएटर में, तो आप ऑब्वियसली अगर थोड़ा दूर बैठे हैं तो आप पास से चीज़ें देखना चाहेंगे, और आप एक कॉम्पैक्ट ऑप्टिकल बाइनोकुलर अगर आपको मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला। मेरे पास ये दो बाइनोकुलर्स हैं, ये वाला जैसे आप देख रहे हैं ये 10-13-25, तो ये 10x-30x जूम पावर है इसमें, और ये इसका लीवर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट बाइनोकुलर है, साथ में इसके बैग है और थ्रेड है, आप इसके गले में डाल सकते हैं, कोई डस्ट कैप्स वगैरह नहीं है। कॉम्पैक्ट बाइनोकुलर्स चाहे आप कंपनी का लें, निकॉन वगैरह का, या एक इंपोर्ट लें चाइना का, तो इसमें डस्ट कैप्स नहीं आती, लेकिन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और हमने इसको यूज़ किया, और ये लीवर है जूम बढ़ाने घटाने के लिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें BK7 है, और अगर कोटिंग्स की बात करें तो ये कोटेड ऑप्टिक्स लगते हैं इसके अंदर, आगे कोटिंग रिफ्लेक्ट हो रही है, पीछे भी कोटिंग है यहाँ से आईपीसीस में, तो ये कोटेड या फुली कोटेड ऑप्टिक्स के साथ है। इसके अलावा दूसरा वाला देखें, जो ये आप देख रहे हैं जैसे 8x25 है, और एक अच्छा वाइड फील्ड है 7 डिग्रीज का, और वाटरप्रूफ है, ये नाइट्रोजन फील्ड बाइनोकुलर है, तो फॉग प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हाइड्रोजन फील्ड है, और इसके मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, बायनोकुलर पे वैसे लिखा भी है, लेकिन मैंने इसकी कोटिंग्स चेक की तो पाया कि अच्छी खासी कोटिंग्स हैं, यहाँ पे थोड़ी ब्लूइश पर्पलिश है और यहाँ पे ग्रीनिश है, और ये रूफ प्रिज्म डिज़ाइन में है, ये वाला बायनोकुलर पोरो प्रिज्म डिज़ाइन में है, इसमें एक अच्छा आई रिलीफ भी है 8x25 में, आप ये देख रहे हैं ये इसके आई कप्स पॉप आउट हो जाते हैं, तो अगर आप चश्मा नहीं लगाते और आपने साइट सीइंग करनी है तो आप इसे निकाल के अपने माथे पे आप लगाएंगे, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो क्योंकि गैप होता है आईज़ और चश्मे का, तो आप इसको इसके आई कप्स रोल डाउन करके आप फिर व्यूइंग कर सकते हैं। तो ये बैक फोर प्रिज्म के साथ है, मल्टी कोटेड है, वाटरप्रूफ है, ये करीब 2500 का आपको मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, और ये 10x-30x-25mm जूम है, जो जूम चाहते हैं, मान लीजिए आपने किसी बर्ड को साइट किया या किसी लैंडस्केप को साइट किया तो आप उसे पास लाना चाहते हैं तो उसमें जूम की फैसिलिटी है। वैसे ये कोटेड में है, ये मल्टी कोटेड में है, ये बैक फोर प्रिज्म्स हैं जो ब्राइटर इमेज देते हैं, ये BK7 में जो थोड़ा चीपर वर्जन ऑफ प्रिज्म है, और क्वालिटी इन दोनों में से अगर चॉइस की जाए तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक अच्छे ड्यूरेबल रूफ प्रिज्म डिज़ाइन में है और फॉग प्रूफ वाटर प्रूफ आपका उद्देश्य है, अगर आप ऑल वेदर पर्पस बाइनोकुलर चाहते हैं मल्टी कोटेड लेंसेज के साथ, तो ये बहुत बढ़िया है, और अगर आप स्पेशली स्पेक्स वेयरर हैं, और अगर आप एक नॉर्मल साइट सीइंग वाले हैं और एक नॉर्मल बाइनोकुलर चाहते हैं लेकिन उसमें जूम की फैसिलिटी चाहते हैं और प्रिज्म आपके लिए अगर ज़्यादा मायने नहीं रखते, तो ये 10-30x-25 बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है। ये सेम चीज़ दूसरी कंपनीज में, निकॉन वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में 10 या 12 हज़ार के बीच में, ये वाला 8x25 मुझे याद है आउटलैंड सीरीज़ का मैंने रिव्यू किया था सेलेस्टॉन में, करीब 5.5-6 हज़ार के आसपास है वाटरप्रूफ में, तो ये आपको मात्र 2500 में हम शिप करेंगे कहीं भी, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वाला जो बाइनोकुलर है ये करीब 3000 का आपको पड़ता है इंक्लूडिंग शिपिंग, 10-13x-25 जूम वाला, तो अगर आपकी पावर में जा रहे हैं तो ये बाइनोकुलर में आपकी चॉइस मेरे ख्याल से बेटर होगी, और अगर आपको क्वालिटी चाहिए और पावर ज़्यादा नहीं चाहिए और थोड़ी बेटर क्वालिटी चाहिए तो ये वाला 8x25 इज़ द बाइनोकुलर टू गो फॉर, 2500 का आपको शिप होता है। थैंक यू।